हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा फिफ्थ चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ थियरी ऑफ डिमांड, जिसको हम ऑलरेडी इसका एक या दो वीडियोस कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है, डिमांड क्या होता है, डिमांड कर्व, डिमांड स्लोप और ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं। इंडिविजुअल डिमांड कर, मार्केट डिमांड कर, वैसे कर करके आई गेस एक ही वीडियो हुआ है जिसमें हमने ये सब पढ़ लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आई गेस सेकंड वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो कोई भी कमोडिटी होती है उसके लिए जो उसकी डिमांड है उसको क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अब ये मार्कर है, ठीक है, ये एक मार्कर है, ये एक कमोडिटी है। अब इसकी डिमांड हमेशा सेम तो नहीं रह सकती ना कि सिर्फ 100 लोग ही इसको ख़रीद रहे हैं या 1000 लोग ख़रीद रहे हैं, नहीं, कभी डिमांड बढ़ सकती है, कभी डिमांड कम हो सकती है। तो ऐसे क्या कारण हैं, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से इसकी डिमांड फ्लक्चुएट होती है, कम ज़्यादा होती है? तो ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन्हीं फैक्टर्स को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन क्या होता है और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बोले तो ऐसे फैक्टर्स जो कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, कम ज़्यादा होने पर उसको मजबूर कर देते हैं, ठीक है। अब डिमांड फंक्शन क्या होता है, ये डिमांड फंक्शन है समझ लो एक काइंड ऑफ इक्वेशन है जो कि हमको बताती है रिलेशनशिप, किसके बीच का रिलेशनशिप, किसी भी कमोडिटी की डिमांड का और बाकी जो उसको फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं ना, यानी कि जो उसके डिटर्मिनेंट्स हैं उनके बीच का रिलेशनशिप। तो यानी कि डिमांड फंक्शन आपका क्या है, इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। तो यानी कि डिमांड फंक्शन समझ आ गया, डिमांड फंक्शन क्या है, किसी भी कमोडिटी की डिमांड और उसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताता है डिमांड फंक्शन। दो वर्ड्स याद रखने हैं, किसी भी कमोडिटी की डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच का रिलेशनशिप बताता है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन में हमको ये सब पता चलता है। अब पॉइंट आता है कि भाई डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, वही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो डिमांड फंक्शन को हम दो किश्तों में पढ़ेंगे, दो टुकड़ों में पढ़ेंगे। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, फिर हमने पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। इसी तरह हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की बात करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या बताएगा हमको, ये जो कमोडिटी है मार्कर, इसकी इंडिविजुअल डिमांड जो होगी, यानी कि एक ही कंज्यूमर की जो डिमांड होगी वो किस किस फैक्टर्स से अफेक्ट होगी वो बताएगा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, ठीक है, इंडिविजुअल वाले की हम बात कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, ये एक इक्वेशन जैसी होगी जो आपको याद करनी है। सबसे पहले आता है डी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ, कुछ टर्म्स याद करने हैं, पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई, यानी कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी। डी एक्स का मतलब क्या है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़ द फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई। अभी पहले इसको याद कर लो, डी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन एट फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई, यानी कि ये क्या है आपके डिटर्मिनेंट्स हैं, ये पांच डिटर्मिनेंट्स हैं पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई, और ये क्या है डिमांड, और ये पूरा डिमांड फंक्शन है। और यही तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, डिमांड फंक्शन क्या बता रहा है, डिमांड और डिटर्मिनेंट्स के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है। तो ये तो रही डिमांड और ये रहे डिटर्मिनेंट्स, इनके बीच का रिलेशनशिप बताता है डिमांड फंक्शन। तो यही आपका इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कहलाता है। अब पॉइंट आता है, ये पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई हैं क्या, एक एक करके मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ। सबसे पहले आपका आता है, यहाँ पे लिखते हैं पी एक्स क्या है आपका, ओन प्राइस ऑफ द गुड, यानी कि किसी भी कमोडिटी का खुद का जो प्राइस होगा, किसी भी कमोडिटी का खुद का जो प्राइस कहलाता है वो होता है पी एक्स, ठीक है। एक्स मतलब एक्स कमोडिटी, तो एक्स कमोडिटी का प्राइस पी एक्स। अब पी आर क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स का जो प्राइस कहलाएगा वो होगा पी आर, आर फॉर रिलेटेड, तो रिलेटेड गुड्स का प्राइस इज पी आर। वाई आपका क्या कहलाएगा, वाई हो जाएगी इनकम ऑफ
कंज्यूमर की जो भी इनकम है, ठीक है। हम मैंने आपको शायद ऑलरेडी बताया होगा कि पूरे इकोनॉमिक्स में आप इनकम को जब भी डिनोट करते हो वो वाई से करते हो, ठीक है। वाई मतलब कहीं भी समझो इनकम, जब तक कि स्पेसिफाई ना हो वो कुछ और है तो इनकम ही माना जाता है। फिर आता है आपका टी। अब टी का मतलब क्या है? टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट और प्रेफरेंसेस, ठीक है। फिर फिफ्थ और लास्ट आपका आता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर। तो ये तो देखो पांच इजी से हैं। पी एक्स, पी आर, वाई टी ई, नाम याद रख लो। पी एक्स मतलब ओन प्राइस ऑफ गुड, पी आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, वाई मतलब इनकम, टी फॉर टेस्ट और प्रेफरेंस, ई फॉर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। अब ये पांच डिटर्मिनेंट यानी कि ये जो पांच फैक्टर्स हैं ना, ये पांच ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं। यानी कि अगर मैं इस मार्कर की डिमांड कर रही हूँ, मैं इस मार्कर की डिमांड जनरेट कर रही हूँ, तो ये फैक्टर्स मेरी इस मार्कर के लिए जो डिमांड है उसको अफेक्ट करेंगे, सिर्फ मेरी। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल की बात हो रही है। मैंने बोला इंडिविजुअल और मार्केट दो हैं, तो मार्केट में सारे कंज्यूमर्स आ जाएंगे जो कि इसकी डिमांड जनरेट कर रहे हैं। इंडिविजुअल में सिर्फ मैं या फिर कोई भी एक कंज्यूमर आएगा जो कि इस मार्कर की डिमांड को जनरेट कर रहा है। तो अब ये पाँचों फैक्टर्स कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब देखो ओन प्राइस, कमोडिटी का खुद का प्राइस कैसे अफेक्ट करेगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा ना डिमांड कर्व कैसा होता है। डिमांड कर्व भाई ऐसा होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पे क्या होता है आपका क्वांटिटी, यहाँ पे होता है आपका प्राइस, है ना। जैसे जैसे प्राइस मतलब यहाँ है तो क्वांटिटी इतनी है, प्राइस जैसे ही कम हुआ क्वांटिटी बढ़ गई, ज़्यादा हो गई, ठीक है। पहले यहाँ थी फिर यहाँ से यहाँ हो गई प्राइस कम होने पर, राइट। इसी तरह अगर पहले प्राइस यहाँ था तो क्वांटिटी यहाँ थी, ठीक है। प्राइस यहाँ था तो क्वांटिटी यहाँ थी, जैसे ही प्राइस ऊपर गया यहाँ पर तो क्वांटिटी कम हो गई। इसका मतलब क्या समझ आया? प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी कम होती है और प्राइस कम होने पर क्वांटिटी बढ़ती है। इनका मतलब इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो ओन प्राइस ऑफ द गुड इस मार्कर का खुद का प्राइस कैसे अफेक्ट करेगा, मैं जो डिमांड जनरेट कर रही हूँ मार्कर के लिए उसको कैसे अफेक्ट करेगा। अगर इस मार्कर का प्राइस 10 रुपये है तो मैंने तो 5 इकट्ठे खरीद लिए। जैसे ही इस मार्कर का प्राइस बढ़ गया 20 रुपये हो गया, तो मैं 5 नहीं खरीदूँगी, अब मैं थोड़े कम खरीदूँगी, 2 ही खरीदूँगी। यानी कि प्राइस बढ़ने पर मैंने डिमांड कम कर दी। तो ओन प्राइस ऑफ द गुड में और किसी भी कमोडिटी की डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है, इन नेगेटिव रिलेशन या फिर इनवर्स रिलेशन होता है। तो प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी कम होती है, प्राइस कम होने पर क्वांटिटी बढ़ती है। समझ आ गया? ऐसे ऐसे हमें पढ़ना है कि एक एक फैक्टर कैसे कैसे अफेक्ट करता है किसी भी कमोडिटी की डिमांड को। अब प्राइस कैसे अफेक्ट करता है, ओन प्राइस खुद का प्राइस मार्कर का, वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब बात आती है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, देखो इसे अभी छोड़ दो, अभी सेकेंड वाले पॉइंट को, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इसे भी छोड़ दो, ठीक है। टेस्ट और प्रेफरेंसेस, ये इजी है, फटाफट से समझ लेते हैं। टेस्ट और प्रेफरेंसेस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमारी मेरा किसी भी चीज़ के लिए टेस्ट चेंज हो गया या प्रेफरेंस चेंज हो गई तो ऑब्वियसली उसके लिए डिमांड मेरी मतलब उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो कम ज़्यादा होगी। जैसे मान लो कोई एडवर्टीजमेंट है, कोई फैशन चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी भी कमोडिटी के लिए मेरा टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज हो सकता है। मान लो अभी तक आप नहा रहे थे लक्स साबुन से, ठीक है, अब आपने नया एडवर्टीजमेंट देखा फियामा डिविल्स का, तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो ही जाते हो। 100 लोगों में से 40 लोग तो इन्फ्लुएंस हो ही जाएंगे, वो क्या करेंगे उस फियामा डिविल्स की वो बढ़ा देंगे, डिमांड जनरेट कर देंगे, डिमांड बढ़ा देंगे। तो क्या हुआ, इस चीज़ से आपका टेस्ट चेंज हो गया, लक्स से उधर शिफ्ट हो गए, है कि नहीं, तो यानी कि उसकी डिमांड बढ़ गई। इसी तरह अगर क्लाइमेट चेंज हो गया, गर्मियों में हम क्या करते हैं,
गर्मी के जो कपड़े होते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ा देते हैं, हाई गर्मी, एसी कूलर, ये सब की डिमांड ज़्यादा बढ़ा देते हैं। पर क्या ये सब चीज़ों की डिमांड हम सर्दियों में बढ़ाते हैं क्या? सर्दियों में एसी कूलर खरीदते हैं? सर्दियों में हम स्लीवलेस कपड़े या कोई से भी तरह के कपड़े गर्मी वाले खरीदते हैं? नहीं, सर्दियों में हम सर्दी वाले कपड़ों की डिमांड बढ़ाते हैं तो क्लाइमेट चेंज होता है, उससे डिमांड कम ज़्यादा होती है। यहीं अगर गर्मी आ गई वापस तो सर्दी वाले कपड़ों की डिमांड कम हो जाएगी। या फिर आप कह लो कि फ़ैशन चला गया। अब कोई चीज़ें होती हैं जैसे कि पुराने टाइम में अगर आप देखो बेल बॉटम्स बहुत ज़्यादा फेमस थे, बीच में क्या हुआ, बेल बॉटम्स का फैशन चला गया, डिमांड कम हो गई। अभी भी ठीक ठाक है, पर अभी पिछले एक साल से आप देखो लड़कियां ये जो वाइड लेग पैंट्स होते हैं और बेल बॉटम्स होते हैं कितने ज़्यादा ट्रेंड में है, राइट। हाई वेस्ट जीन्स जो होती हैं, लड़कों की भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मुझे नहीं पता, जो अभी ट्रेंड में होंगी। तो जिस तरीके से फैशन चेंज होता है, किसी चीज़ का फैशन घट गया तो डिमांड कम, किसी चीज़ का फैशन बढ़ गया तो डिमांड ज़्यादा। तो सिंपल है, टेस्ट और प्रेफरेंसेस से कैसे डिमांड कम ज़्यादा होती है आपको समझ आ गया। एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर, अब कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस भी डिमांड को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। कैसे? जैसे कि मान लो मैं एक्सपेक्टेशंस क्या होता है, उम्मीदें, एक्सपेक्ट करना कोई चीज़, अंदाज़ा लगाना। अगर मैं किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा रही हूँ कि ये चीज़, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल, हम लोग, हमारे मम्मी पापा लोग क्या करते हैं, उनको अंदाज़ा होता है कि भाई सोने के भाव ना बढ़ रहे हैं, तो वो लोग अभी क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आगे जाके ना, मतलब 5 साल बाद मान लो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, 10 साल बाद और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आसमान छू जाएंगे। तो वो अभी से क्या करेंगे, गोल्ड स्टोर करके रखेंगे अपने पास, अभी ख़रीद लेंगे और क्या करेंगे, बाद में जाके बेचेंगे हाई प्राइस पर, ठीक है, जिससे उन्हें फ़ायदा हो। तो उन्होंने अभी क्या किया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गोल्ड की डिमांड जनरेट करी है कि नहीं, और उनके जैसे हज़ारों लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे तो गोल्ड की डिमांड भी बढ़ जाएगी। यहीं अगर गोल्ड के प्राइस मान लो कम हो जाए, आपको लगता है कि गोल्ड के प्राइस कम हो जाएंगे, गोल्ड के प्राइस आके जाके ना कम होने वाले हैं, तो आप क्या सोचोगे कि यार अभी हमने रखा हमारे पास और बाद में जाके प्राइस कम हुए तो हमको तो नुकसान होगा, हम ऐसा करते हैं अभी प्राइस ज़्यादा है तो अभी बेच देते हैं। तो हमने क्या किया, डिमांड कम कर दी, हमने हमारे पास से सोना बेच दिया। तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जैसे कोविड के टाइम पे होता था, हमको लगता था लॉकडाउन लगने वाला है, दुकानें बंद हो जाएंगी, तो हम सारा सामान, घर का राशन पानी घर में लाके स्टोर कर लेते थे। हमको एक्सपेक्टेशंस होती थी कि आगे जाके नियर फ्यूचर में ये चीज़ें होंगी, तो हम उस हिसाब से अभी इस पॉइंट पे क्या करते हैं, डिमांड कम या ज़्यादा कर लेते हैं, है ना, ये होता है। तो एक्सपेक्टेशंस ऐसे वर्क करती हैं और किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करती हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे हो गए, ओन प्राइस समझ आ गया, टेस्ट और प्रेफरेंसेस समझ आ गया, एक्सपेक्टेशन समझ आ गया। अब आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब जो रिलेटेड गुड्स होते हैं, पॉइंट आता है ये रिलेटेड गुड्स कौन सी वाला है। देखो रिलेटेड गुड्स में 2 तरह के गुड्स आते हैं, कौन से, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। रिलेटेड क्या होता है, मतलब इससे मिलते जुलते, है ना, इससे मिलते जुलते या फिर इसी के साथ में यूज होने वाले, उस तरीके के, है ना। तो रिलेटेड गुड्स में 2 तरह के गुड्स आ जाते हैं आपके, रिलेटेड गुड्स। तो सबसे पहला तो आता है, एक तो आपका आता है सप्लीमेंट्री, एक आता है कॉम्प्लीमेंट, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखो सब्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, हम कहते हैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दो किसी चीज़ को, सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस करना। मैं इस मार्कर, इस बोर्ड वाइट बोर्ड को पलट दूंगी ना, पीछे ग्रीन कलर का बोर्ड है, तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि वाइट बोर्ड को ग्रीन बोर्ड से सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या से होते हैं, ऐसे गुड्स वो कि एक दूसरे की जगह यूज़ किए जा सकते हैं। सिंपल, आप कह लो बॉल पेन की जगह जेल पेन यूज़ कर लो, सब्स्टिट्यूट गुड्स है कि नहीं। आप घर के बटर की जगह देसी घी यूज़ कर लो, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर आप लेज खा रहे हो, लेज लेने गए, आप लेज आपको नहीं मिले, आपने सोचा तो कुरकुरे ले लेते हैं, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। कोका कोला लेने गए, वो नहीं मिली, थम्सअप ले ली, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे गुड्स जो कि एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब वो कैसे अफेक्ट करते हैं किसी भी कमोडिटी की डिमांड को, ये समझने वाला पॉइंट है, ठीक है। अब इसकी मैं आपको लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगी, ठीक। सबसे पहले मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का, टी एंड कॉफ़ी है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं कि नहीं। दिमाग में सोचो, चाय नहीं हुई तो कॉफ़ी से काम चला लोगे, किसी शादी में जाते हो, फंक्शन में जाते हो, चाय नहीं मिल रही है, कॉफ़ी दे दो, कॉफ़ी नहीं है तो चाय ले लो।
अब यहाँ पे क्या है, हमको पता करना है कि चाय की डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर कॉफ़ी का प्राइस कम या ज़्यादा होता है तो। ठीक है, हमें कैसे पता करना है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड से। तो यहाँ पे टी तो एक्चुअल गुड है ही हमारा, कॉफ़ी हमारा रिलेटेड गुड है, तो रिलेटेड गुड के प्राइस में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज होने से इस गुड की डिमांड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये हमें पता करना है। मान लो कॉफ़ी का प्राइस हो गया कम, ठीक है, कॉफ़ी का प्राइस हो गया कम, एक जनरल मतलब आप कह लो, प्रैक्टिकली सोचो, देखो आप लेने गए वो कॉफ़ी, कॉफ़ी का हो गया है प्राइस कम। अब आप सोचोगे कि मैं ऐसा करता हूँ, आप ना, हाँ सॉरी सॉरी, आप ना ये सॉरी, अब ये सब भूल जाओ, मैं भूल गई एक्चुअली क्या बताना था मुझे। आप ना चाय पीते हो, ठीक है, आप चाय पीते हो, अब क्या हुआ, साथ ही साथ आपका ना, आप चाय पीते आ रहे हो, अब आपने देखा कि कॉफ़ी का जो प्राइस था ना वो कम हो गया है पहले से। चाय पहले आती थी, दोनों चीज़ें देखो 20 रुपये की आती हैं, ये भी 20 रुपये का, ये भी 20 रुपये का, कॉफ़ी का प्राइस हो गया अचानक से कम, उसने कर दिया 15 रुपये। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, एक दूसरे की जगह यूज़ किए जा सकते हैं, तो आप सोचोगे कि भाई मैं इतनी महंगी चाय क्यों पीऊँ, मैं 20 रुपये क्यों दूँ, जब मैं 15 रुपये में ही उतना ही सेटिस्फेक्शन ले सकता हूँ चाय जितना, तो मैं 20 रुपये क्यों दूँ। तो आप क्या करोगे, चाय से कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाओगे कि नहीं, ऑब्वियसली। अब जैसे ही आप चाय से कॉफ़ी पे शिफ्ट हुए तो कॉफ़ी की तो डिमांड बढ़ी, कॉफ़ी की तो डिमांड बढ़ी, पर हुआ क्या, चाय की डिमांड कम हो जाएगी ना, चाय लोग कम पीना शुरू कर देंगे, कॉफ़ी पे मूव कर गए, तो क्या हुआ, कॉफ़ी चाय की डिमांड आपकी कम हो गई। तो हुआ क्या था, प्राइस तो इसका चेंज हुआ था, चाय के प्राइस में तो कुछ चेंज नहीं आया, चाय के प्राइस में चेंज आता तो वो हम इसमें पड़ते हैं ओन प्राइस में, पर चेंज किस में आया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड यानी कि कॉफ़ी के प्राइस में। तो कॉफ़ी का जब, जैसे ही कॉफ़ी का प्राइस चेंज हुआ, ठीक है, कम हुआ, आपको क्या हुआ, आप इधर से इधर शिफ्ट कर गए, तो इसकी डिमांड भी कम हो गई, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जिनका प्राइस कम होने पर डिमांड कम होती है और प्राइस बढ़ने पर डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे ही मान लो प्राइस बढ़ जाए कॉफ़ी का, 20 की जगह अब कॉफ़ी मिलने लग गई है, प्राइस बढ़ गया, अब 20 की जगह कॉफ़ी हो गई 30 की, अभी जो कॉफ़ी वाले लोग हैं, कॉफ़ी पी रहे होंगे, वो सोचेंगे यार हमारी तो कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया है, 20 की जगह 30 हो गया, हम ऐसा करते हैं चाय पे मूव कर लेते हैं, चाय सस्ती मिल रही है, तो वो क्या करेंगे, कॉफ़ी से चाय की तरफ मूव कर लेंगे। तो कॉफ़ी की तो डिमांड कम हुई पर चाय की डिमांड बढ़ गई, और लोग ख़रीदने लग गए चाय, तो इससे क्या हुआ, डिमांड इसकी बढ़ गई। तो प्राइस इसका चेंज हो रहा है कॉफ़ी का, पर डिमांड इसकी चेंज हो रही है, यही इफ़ेक्ट कहलाता है आपका क्या, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, पर यह समझने की ज़रूरत है कि रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज होने से हमारा जो एक्चुअल गुड है उसकी डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, अगर दो गुड सब्स्टिट्यूट हैं, एक दूसरे की जगह रिप्लेस किए जा सकते हैं, तो उन पे कैसे फ़र्क पड़ेगा, जो आपका रिलेटेड गुड है उसका प्राइस बढ़ कम होने पर जो एक्चुअल गुड है उसकी डिमांड कम होगी, और उसका रिलेटेड गुड का प्राइस बढ़ने पर आपका जो डिमांड है एक्चुअल गुड की वो बढ़ेगी, यानी कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखा जाएगा कुल मिला करके। प्राइस कम इसका हुआ तो इसकी डिमांड कम हुई, प्राइस इसका बढ़ा तो इसकी डिमांड बढ़ी, ठीक है, ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का इफेक्ट। इसी तरह अब दूसरा हमारा गुड आता है सब्स्टिट्यूट गुड, आई होप समझ आ गया होगा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, बॉल पेन, जेल पेन, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, तो ये सारे आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए। अब नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ गुड आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट करना मतलब किसी को कंप्लीट करना, तो ऐसे गुड्स जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, यानी कि एक दूसरे के बिना वो अधूरे हैं और एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। अब पेट्रोल नहीं होगा मतलब कार, हाँ पेट्रोल नहीं होगा तो कार कैसे चलेगी, या फिर पेंसिल एंड इरेजर, ठीक है, और आपका क्या हो सकता है, पेन एंड रीफिल, पेन नहीं होगा तो रीफिल का क्या काम, रीफिल नहीं होगी तो पेन का क्या काम। तो ये सारे क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केसेस में क्या होता है, हम दोबारा से एक एग्जांपल लेते हैं, कार का और पेट्रोल का,
ठीक है, कार या फिर कार और पेट्रोल नहीं, एक इजी एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ आए। एक और बढ़िया एग्जांपल है जिसे हम कहते हैं ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर क्या है, एक तरह से दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हम देखो ये मत बोलना कि हम बटर को किसी और के साथ भी खा सकते हैं, ब्रेड को हम किसी और के साथ भी खा सकते हैं। प्रैक्टिकल मतलब एग्जांपल ऐसे लिए जाते हैं इकोनॉमिक्स में। तो ब्रेड एंड बटर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अब क्या होगा, ब्रेड का प्राइस है मान लो दोनों का 20 रुपये है, ठीक है, पहले से फिर से दोनों का 20 रुपये है। अब क्या होता है, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब हुआ ये कि बटर का प्राइस बढ़ गया, बटर का प्राइस बढ़ा तो कितना हो गया, 30 रुपये। अब जो लोग बटर खरीदते हैं ऑब्वियसली वो ब्रेड भी खरीदते होंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, तो वो दोनों चीज़ें खरीदेंगे। अब उन्होंने सोचा, वो ब्रेड बटर खाते हैं, उन्होंने सोचा यार बटर का तो प्राइस बढ़ गया है, तो हम क्या करते हैं, बटर कम खरीदेंगे ऑब्वियसली। पर बटर कम खरीदेंगे तो ब्रेड की भी तो डिमांड कम करनी पड़ेगी, मतलब बटर अगर आप कम खरीद रहे हो तो ब्रेड की भी डिमांड कम करनी पड़ेगी, राइट। तो एक्स्ट्रा बटर का नहीं तो क्या करोगे ऑब्वियसली। तो आपने क्या किया, ब्रेड कम खरीदने लग गए, बटर का प्राइस बढ़ा, तो आपने सोचा अब हम ब्रेड भी कम खरीदते हैं, लोग ब्रेड भी कम खरीदेंगे। इसी तरह मान लो बटर का प्राइस कम हो जाए, 20 से 15 हो जाए, तो अब आप ब्रेड बटर तो और खरीदोगे ही खरीदोगे, पर साथ में ब्रेड भी और ख़रीदोगे खाने के लिए, क्योंकि एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। बेसिक आइडिया क्या है इसके पीछे, क्योंकि एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप बटर तो और ख़रीदोगे ही, पर एक्स्ट्रा बटर का क्या करोगे, तो अब इसीलिए साथ में ब्रेड भी और ख़रीदोगे। तो क्या हुआ, ब्रेड की भी डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, बटर ये जो है हमारा फ्रॉम रिलेटेड गुड, उसका प्राइस बढ़ने पर क्या हुआ, इसकी डिमांड कम हुई ब्रेड की, और इसका प्राइस कम होने पर इसकी डिमांड बढ़ गई। यानी कि यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है, इससे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन था, एक का प्राइस बढ़ रहा था तो दूसरे का डिमांड बढ़ रहा था, एक का प्राइस कम हो रहा था तो दूसरे का डिमांड कम हो रहा था, पर यहाँ उल्टा हो रहा है, एक का प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो रही है, एक का प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ रही है। ये चीज़ें बहुत केयरफुली समझना, आई नो कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बट ये इतना सा टॉपिक शुरू से देख लो, भले यहाँ से जहाँ से मैंने ये पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इससे समझ आता है जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उनमें नेगेटिव इफेक्ट होता है, और जो आपका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उनमें कैसा होता है, पॉजिटिव इफेक्ट, राइट। इतनी सी कहानी क्लियर है। अब इसके बाद आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जब हम कंज्यूमर के इनकम की बात करते हैं, तो अब देखो वैसे तो अगर सीधा सा फंडा लें कि अगर इनकम बढ़ेगी तो भाई हम ज़्यादा सामान खरीदेंगे, इनकम कम होगी तो हम कम सामान खरीदेंगे, पर डिपेंड करता है कि वो सामान किस तरीके का है। अब मान लो आपकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, इनकम बढ़ती जा रही है, तो क्या आप जैसे कपड़े तो और ख़रीदोगे, चलो ठीक है कपड़े जूते ये सारी चीज़ नॉर्मल गुड्स हैं, ठीक है ये हम और ख़रीदेंगे, पर अगर आपकी फैमिली महीने में सिर्फ 10 किलो का आटा खाती है मान लो, तो अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो क्या आप 20 किलो का आटा खाओगे, क्या आप 50 किलो का आटा खाने लगोगे, और अरबपति बन गए तो 100 किलो का आटा खाओगे महीने में 5 किलो, नहीं ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उनको एज इट इज़ रखते हैं या फिर उनका कंजम्पशन कम कर देते हैं, और उल्टा कैसे होता है। यहाँ पे दो चीज़ें आती है, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमने दो तरह के गुड्स पढ़े थे ना, सप्लीमेंट सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पर दो तरह के गुड्स पढ़ेंगे हम। एक है सबसे पहले नॉर्मल गुड्स, ठीक है, और दूसरा है आपका इन्फीरियर गुड्स। अब देखो नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, जब अगर हमारी इनकम बढ़ेगी ना तो हम उनकी डिमांड बढ़ा देंगे, और जब हमारी इनकम कम होगी तो हम उनकी डिमांड घटा देंगे। इसका सिंपल सा एग्जांपल जैसे कि कपड़े वपड़े, ठीक है, जैसे कपड़े जूते ये वो नॉर्मल चीज़ें जो है नॉर्मल गुड्स, ठीक है, तो इनकी क्या होता है, हम डिमांड बढ़ा देते हैं हमारी इनकम बढ़ने पर ऑब्वियसली। पर इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर वर्ड का मतलब पता है, कोई छोटी चीज़, कोई नीची चीज़, कोई ख़राब चीज़, घटिया बेकार ऐसी चीज़। अब अगर कोई ऐसा इंसान है मान लो थोड़ा मतलब पुअर फैमिली का है, वो क्या करेगा, अगर वो गेहूँ खरीदने जाएगा तो वो महंगे वाले गेहूँ या महंगे वाले चावल नहीं खरीदेगा, वो थोड़े सस्ते इन्फीरियर क्वालिटी के चावल खरीदेगा। जैसे चावल मान लो तीन क्वालिटी के आते हैं, एक 30 रुपए वाले हैं सबसे सस्ते, एक 60 रुपए वाले, 90 रुपए वाले हैं सबसे अच्छे सबसे महंगे, तो वो 30 रुपए वाले खरीदेगा। अब वो क्या कर रहा है, 30 रुपए वाले चावल खरीद रहा है, ठीक है, अभी वो क्या कर रहा है, 30 रुपए वाले चावल खरीद रहा है।
ठीक है, जब उसकी इनकम है 100 रुपये, अब जैसे ही इनकम उसकी बढ़ गई, 100 नहीं एक्चुअली 1000 मान लो, अब जैसे ही मान लो उसकी इनकम बढ़ी, इनकम हो गई 5000, तो अब वो ऑब्वियसली ये सोचेगा ना, मैं ये यार घटिया क्वालिटी के चावल खाना बंद कर देता हूँ, मैं 30 की जगह मैं 60 रुपये वाले चावल खाऊँगा, राइट। यानी कि उसने क्या किया, यहाँ पे वो कितने पे आ गया, 60 रुपये वाले चावल पर आ गया, समझ आया। तो ये जो इन्फीरियर गुड था, यानी कि 30 रुपये वाले चावल, घटिया वाले चावल, इनकी डिमांड कम हुई या ज़्यादा हुई, खुद सोच करके बताओ। वो तो शिफ्ट कर गया 60 रुपये वाले चावल पर 30 रुपये वाले चावलों की डिमांड जो थी वो कम हो गई ना। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो 30 से 60 पे शिफ्ट कर जाएंगे, तो 30 की तो डिमांड कम हो गई, यानी कि जो 30 वाला इन्फीरियर क्वालिटी का चावल था, इन्फीरियर गुड था, उसकी डिमांड कम हो गई। कब कम हुई, जब उसकी इनकम बढ़ी। तो इस केस में हमें क्या समझ आता है, जब इनकम बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड्स के लिए डिमांड कम हो जाती है। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम घटिया सामान कम खरीदना, मतलब खरीदना कम कर देंगे ना, सिंपल है ना। मतलब जैसे मान लो आप थोड़े सस्ती वाली चप्पल जूते पहनते हो, तो अब आप थोड़े महंगे पहनोगे, सस्ते वाले खरीदना कम कर दोगे अगर आपकी इनकम बढ़ गई है। इसी तरह अगर अब आपकी इनकम कम हो गई है, मान लो वापस से आपकी इनकम कम हो गई है, तो अब आप सोचोगे कि नहीं यार ऐसा करते हैं थोड़ी सस्ती चप्पलें खरीद लेते, तो इंटीरियर गुड जो है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी अचानक से। तो इससे क्या हुआ, इनकम कम होने पर उनकी डिमांड बढ़ गई। तो समझ आ रहा है, नॉर्मल गुड्स में क्या है, कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन। यानी कि चप्पल जूते नॉर्मल चीज़ें जो है, नॉर्मल गुड्स, वो हम अच्छे खरीदते हैं, मतलब ज़्यादा ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर देते हैं अगर हमारी इनकम बढ़ती है। पर इंटीरियर गुड्स के केस में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव रिलेशन। इनकम बढ़ी तो हम इन्फीरियर गुड कम खरीदते हैं, और इनकम कम हुई तो हम इन्फीरियर गुड ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है। ये होते हैं 5 फैक्टर्स जो कि इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं, किसी भी कमोडिटी की इंडिविजुअल डिमांड को, और इसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, राइट। अब इसके बाद आता है आपका मार्केट डिमांड फंक्शन। अब मार्केट डिमांड फंक्शन में देखो क्या है, बहुत सिंपल है, कुछ ऐड नहीं करना है। यहाँ पे इसे मिटा देती हूँ मैं थोड़ा सा, और यहाँ पे इसे बिठा दे, ठीक है। बस दो चीज़ें मुझे ऐड करनी है यहाँ पर, बहुत सिंपल है मार्केट डिमांड फंक्शन। एक सेकेंड में तो नहीं, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मार्केट डिमांड फंक्शन में क्या करना है, ये 5 चीज़ तो एज इट इज़ रखनी है, PXPRYTE, दो चीज़ें और ऐड करनी है, N और YD, ठीक है, N और YD। तो इंडिविजुअल की अगर आपको बात पूछी जाए, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में कौन कौन से 5 फैक्टर्स होते हैं, PXPRYTE, ठीक है। 5 बार भी बोलोगे ना, 5 याद हो जाएंगे, PXPRYTE, फटाफट से कमेंट में लिख दो। मार्केट में कौन से होते हैं, PXPRYTE तो है ही, साथ में NYD, ठीक है, NYD। तो ये जो 5 ऑलरेडी हैं इंडिविजुअल वाले मार्केट में, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन एज इट इज़ सेम है, यही चीज़ें हैं, ठीक है। अब NYD क्या है, सबसे पहले तो N को यहाँ पर लिख लेते हैं। N हमारा क्या है, नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है, नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं, या फिर पॉपुलेशन साइज कितना है। और YD हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, B फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, Y स्टैंड्स फॉर इनकम। ये वाला वाई क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये है नंबर ऑफ बायर्स। अब मार्केट डिमांड फंक्शन हमको क्या बताएगा कि ये जो कमोडिटी है, इसके लिए मार्केट की टोटल डिमांड, सारे कंज्यूमर्स जो भी डिमांड जनरेट कर रहे हैं, वो डिमांड कैसे अफेक्ट होगी, किन किन फैक्टर्स से, तो इन फैक्टर्स से अफेक्ट होगी। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम इंडिविजुअल में भी कवर कर चुके हैं, और ये दो हैं जो हम अब पढ़ेंगे वाले में, अब पढ़ेंगे क्या बोल रही हूँ, मार्केट डिमांड फंक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ बायर्स की, नंबर ऑफ बायर्स, या फिर हम इसे कह सकते हैं पॉपुलेशन साइज। तो देखो, अगर किसी भी चीज़ के लिए मतलब मान लो पहले ये मार्कर खरीदने वाले 100 लोग थे, तो 100 लोग डिमांड जनरेट कर रहे थे ना, पॉपुलेशन अब बढ़ गई, तो ऑब्वियसली इस मार्कर की डिमांड और ज़्यादा होगी कि नहीं। जैसे मान लो आपके घर में क्या है, लेट अस सपोज 5 लोग रहते हैं, ठीक है, 5 लोग रहते हो। अब आप 5 लोग क्या करोगे, लिमिटेड खाना ही तो खाओगे। मान लो आप 10 किलो आटा खा लेते हो,
अब आपके घर में आपके और रिश्तेदार और आ गए, आपके घर में शादी है एक हफ्ते के लिए, रिश्तेदार आ गए भर भर के 10-20 लोग, तो उस जो आटा है उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी कि नहीं, और लोग भी तो खाएंगे कि नहीं, कि उनको भूखा मारोगे, खाओ उनको भी खिलाओगे ना, तो क्या होगा, लोग आए, पॉपुलेशन साइज घट गया, नंबर ऑफ़ बायर्स, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स बढ़ गए, तो क्या हुआ, उस आटे की, उस कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा हो गई। इसी तरह जब वो लोग चले जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ बायर्स, कंज्यूमर्स, पॉपुलेशन साइज़ कम हो गया, तो आपकी जो आटे या कमोडिटी की डिमांड है वो कम हो जाएगी, तो नंबर ऑफ़ बायर्स बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, नंबर ऑफ़ बायर्स कम होने से डिमांड कमती है, तो सिंपल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में देखो ये है सिंपली कि जैसा अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे अभी हम देखें तो हमारी सोसाइटी में एक रिच सेक्शन होता है, एक पुअर सेक्शन होता है, जो अमीर लोग होते हैं वो क्या है, और अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये कैसा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर किसी सोसाइटी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उससे क्या होगा, रिच लोग तो और रिच होंगे, और जब रिच लोग और ज़्यादा रिच होते रहेंगे तो क्या वो घटिया क्वालिटी का सामान खरीदेंगे क्या, नहीं, वो तो और लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे ना, आपके पास मान लो और पैसा आता जाए, या फिर बड़े बड़े मिलेनियर्स को उठा के देख लो, बिलेनियर्स को उठा के देखो, वो घटिया घटिया ऑल्टो खरीदते हैं क्या गाड़ी, नहीं ना, वो हाई मतलब क्लास की गाड़ियाँ खरीदते हैं, फेरारी हो गई, BMW, Audi, ये सब खरीदते हैं, ठीक है, तो यानी कि वो लग्जरी गुड्स प्रेफर करते हैं। तो अगर रिच लोग ज़्यादा रिच होते जाएंगे, रिच लोगों का मतलब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर ऐसा होगा कि रिच लोग ज़्यादा रिच हो जाएं, तो उससे क्या होगा, जो हमारे लग्जरी गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, और पुअर लोग क्योंकि पुअर होते जा रहे हैं तो पुअर लोग क्या खरीदेंगे, पुअर लोग अगर और गरीब होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, तो वो घटिया सामान पे शिफ्ट होते जाएंगे, जस्ट अभी जो मैंने बताया इन्फीरियर गुड खरीदना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा, इन्फीरियर गुड की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में, हमारी सोसाइटी में, तो रिच लोग क्या करेंगे, लग्जरी गुड्स की डिमांड जनरेट ज़्यादा करेंगे, बढ़ाएंगे, और पुअर लोग क्या करेंगे, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ाएंगे। और नंबर ऑफ़ बायर्स आपको समझ आ ही गया, तो सिंपल है, मार्केट डिमांड फंक्शन में इतना ही है, मार्केट डिमांड फंक्शन ये होता है। और ये सब क्या है, ये याद रखने हैं, डिटर्मिनेंट्स है, ये सारे डिटर्मिनेंट्स क्या करेंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 डिटर्मिनेंट्स मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं किसी भी कमोडिटी की। और इसको छोड़ के जो 5 डिटर्मिनेंट्स हैं, ये 5 क्या करेंगे, ये सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं किसी भी कमोडिटी के, इसमें 2 और ऐड कर दो तो ये सब मिलके मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, और इसी के साथ आपका ये वीडियो ख़त्म होता है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी क्वेरी है कॉमेंट में बता सकते हो, आप मुझे पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है अगर आपका इस टॉपिक से या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हो, पर्सनली टेक्स्ट कर लेना, वहाँ पर जो भी आपका प्रॉब्लम है मैं वो सॉल्व कर दूँगी। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।